मिनट बोलना चाहती हूँ प्लीज। ऐसे इस कलाकार की इस तरह से बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि कोई कलाकार गा रहा हो और आप बार बार बीच में एक सेकंड नो नो इट्स नॉट डन। मैं गाने के लिए मर नहीं रही हूँ, बहुत सारा बच्चे मेरे पास गाने के लिए। नो इट्स नॉट डन। यहाँ के जिला प्रशासन, आपने बहुत ही गलत किया, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है मेरा। 10 साल बाद यहाँ की बेटी को इस तरह से सम्मान दिया, बहुत गलत किया, इसका न्याय थावे वाली माँ करेगी। मैं तो आज हम बात करने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायिका प्रियंका सिंह जी के बारे में, जो कि आज एक अनाउंसर ने, एक एंकर ने प्रियंका सिंह को रुला दिया, जो कि आप लोगों ने काफ़ी उनका स्टेज शो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है क्लिप, जो कि आप लोगों ने देखा होगा और जितने भी भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार लोगों ने वह चीज़ को देखा, सारे लोगों के अंदर एक खोल उठा, एक गुस्सा भड़क उठे, जो कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। प्रियंका सिंह ऐसा कोई नाम नहीं है जो कि आप हल्के में या कहीं पे किसी को इंसल्ट कर दीजिएगा, वो ऐसा प्रियंका सिंह नाम है, वो ऐसा आवाज़ में है, जादू है उनके अंदर, वो ऐसा टैलेंटेड सिंगर है जो कि उनका गाना कहीं पे आता है तो धमाल मचा देता है, मूवी हो या एल्बम में हो। लेकिन उन्होंने टैलेंट को है किस तरह से लोगों ने उनको बेइज्जती किया स्टेज पर, ये काफ़ी घोर निंदा मैं करना चाहता हूँ। और वैसे वैसे एंकर को तो जूता से मार कर निकालना चाहिए। भाई आप बताइए, जो गायिका हो या सिंगर हो या गायिका हो, जो लोगों ने अपने ऊपर उतना मेहनत करके अपनी आवाज़ को मधुर बनाते हैं और कहीं पे जाते हैं और उनको इंसल्ट इस तरह से कैसे किया जाएगा? किसने इनको अधिकार कर दे दिया कि कोई मंच पे जाए उनको आप ऐसे इंसल्ट कर दीजिएगा? बेचारी किस तरह से रोने लगी और उनको क्या मैं बताऊँ आप सभी को, जो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, जैसे रानी एक्ट्रेस खेसारी लाल हो गए, जो भी अक्षय सिंह जी होंगे, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, सारे लोगों ने पोस्ट करके घोर निंदा की है। और जो कि यह मुद्दा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो कि थापे महो उत्सव में था, जो कि उनका प्रोग्राम बुलाया गया था, जब यही इंसल्ट करना था भाई, तो आप लोगों ने उनको क्यों बुलाया? क्या आपको क्या मकसद था कि उनको स्टेज पर लाके भरे मंच उनको गिरा दे? नहीं भाई, जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पे आज भोजपुरी इंडस्ट्री में एकलौता उन्होंने अपनी राज को जमाए रखे, किसी का औकात नहीं कि उनके टैलेंट को गिरा देना चाहेंगे। लेकिन क्या कुछ लोग वही ना सोच करके इनको इंसल्ट बेइज्जती आप लोग किए होंगे? तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो एक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गरिमा है और वह एक धरोहर है जो कि आप लोग तोड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि जो लोग अपने दम पे, अपने मेहनत से, अपने टैलेंट के दम पे, अपने सरस्वती बात से जिनके गले में, वो उनको आप लोग कैसे तोड़ पाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो हम जितने भी बड़े बड़े कलाकार लोग हैं, कहीं ना कहीं आप सभी को धूलिन करने का प्रयास किया जा रहा है। मान के चलिए आज इनको इंसल्ट किया जाएगा, क्या पता कि कल वही मंच पे आप बड़े बड़े स्टार होंगे, हो भी सकते हैं कल हो के, जैसा कि अभी भी आप लोग देख सकते हैं, जो भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं, क्या कलाकार का कोई वैल्यू क्यों नहीं करता, यही सही रीजन है। जैसा कि देख लीजिए, सबसे पहला पावर स्टार पवन सिंह जी पे पत्थर चला था, उसके बाद खेसारी जी पे, उनके टीम या खेसारी जी पे पत्थर चला। ये बताइए, पत्थर लगे या ना लगे, कम से कम लोग चला दिया तो कहने में तो आ गया ना कि फलना के स्टेज शो पे उनका ऐसे घटना हो गया। तो ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन इन दिनों जो है हर एक कलाकार को बदनाम करने की कोशिश, बदनाम करने की पेशा बन चुके हैं, किस तरह से इनका स्टारडम को खा जाए, स्टारडम को गिरा दे। तो भैया, जो लोग मेहनत करके, जो लोग पब्लिक के आशीर्वाद से बनते हैं, उसको हम लोगों का, कोई लोगों का अधिकार नहीं बनता है। और ये एंकर का क्या अधिकार हो गया किस तरह से इनको, इनके साथ आप बात कर सकते हैं? मैं एंकर से पूछना चाहता हूँ, आपका क्या हैसियत है, क्या औकात हो गया कि आप उस तरह से, आप प्रियंका सिंह जी से आप बात किए? क्या आपको उनके करियर के बारे में पता है? आपको फोटो खिंचाने के लिए उनके साथ सोचना पड़ जाएगा, जो कि आपने उनके साथ ऐसा क्या मैं बताऊँ, भरे मंच पे आपने उनको इंसल्ट कर दिया। आपने सोचा आप वही अगर अंदर होते तो उनके साथ सेल्फी लेते, प्रियंका सिंह जी एक सेल्फी दे दीजिए ना। लेकिन आप लोगों का जो होता है ना, मन जो होता है, चेहरा जो होता है गोरा होता है, लेकिन आत्मा सबसे नीच और क्या मैं बताऊँ, सबसे काला और सबसे घटिया होता है। शर्म है आप लोगों पे, आप लोगों ने किसी भी तरह के, मतलब कोई भी किसी को भी गिराने का प्रयास कर देते हैं। अरे भाई, आप लोग जब किसी को बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का सोच कैसे लेते हैं, ये मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, ये बताइए। तो जितने भी हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं, इस पे आवाज़ उठना चाहिए, नहीं तो ये कल प्रियंका सिंह पे हुआ, कल आप पे भी हो सकता है।
तो इस विषय पे जितने भी मेरे प्यारे मित्र, जितने भी मेरे प्यारे बड़े भैया आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए ताकि सभी लोगों तक यह बात को पहुँचाए और इस बात पर अमल रहे और इस बात पर कम से कम कलाकार को सम्मान के लिए सपोर्ट किया जाए। और इस विषय पे जो भी आप सभी को कहना होगा आइए नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइए और अपना अपना जवाब कमेंट में दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए भैया मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।